ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏବିଭିପିର 69ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶରୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ହଜାର ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଭାରତର ସମୟ ଆସିଛି, ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। 2047ରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ମିତ୍ର, ଭାରତ କା ସମୟ ଆ ଗୟା ହୈ, ଭାରତ କା ସମୟ ଆ ଗୟା ହୈ, ଔର ହର ସମସ୍ୟା କେ ସମାଧାନ କେ ଲିଏ ଆଜ ବିଶ୍ୱ ଭାରତ କି ଔର ଆଶା କେ ସାଥ ଦେଖ ରହା ହୈ। ଔର ମୈଁ ମାନତା ହୁଁ କି ମେରେ ସାମନେ ବୈଠେ ହୁଏ ଯୁବାଓ କି ଜିମ୍ମେଦାରୀ कि भारत का समय जो आया है, जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन को सातत्यपूर्ण बनाते हुए हमारी कल्पना के भारत की रचना करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम सबसे महान हो, ये संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के 25 साल। युव शक्ति भारत मेरुदंड एबीवीपी रास्ता ज्ञानशील संकल्प एवं तारी उपरे चली देश गठन करिबार दायित्व आज युव शक्ति स्वर्णिम भविष्य युव शक्ति अपेक्षा करिछि। मोदी कार्यकाल प्रशंसा करी गृहमंत्री कहिले, प्रधानमंत्री लगातार देशर विकास को गति देउछंती, स्टार्टअप को अग्राधिकार देउछंती, एथिसह देशर युववर्गक भविष्यत जड़ित। मित्रों, आज मेरे सामने अमृत भारत की जनरेशन बैठी है। उस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा शक्ति ही देश और समाज को शिखर पर ले जाने का काम कर। आज के दिन की मैं बात करूं तो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए ढेर सारे नए सेक्टर खोलने का काम किया है, चाहे डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप क्रांति हो। स्टार्टअप 2016-17 में 724 स्टार्टअप थे, 724, और आज 2,00,000 से ज्यादा स्टार्टअप भारत के युवाओं ने बनाकर विश्व के स्टार्टअप जगत के अंदर अपना पैर जमाया है। आपको ये कहना चाहिए, आप आपकी व्यक्तिगत करियर जहां पर भी काम करते हैं सबसे ऊंचाई तक ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जानी ही चाहिए। भारत के हर युवा की व्यक्तिगत करियर सबसे ऊपर होनी चाहिए और इसकी तंदुरुस्त स्पर्धा भी होनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ आपका दायित्व देश के निर्माण के प्रति है, देश के प्रति भी है। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने सदैव याद रखना। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ, କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲେ ଦିନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାରତର ବିଚାର ଏବଂ G20 ଆମ କୂଟନୀତିର ପତାକାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ାଇଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, 22 ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। अपने आप को भारत माता को पुनः समर्पित करने का दिन है, ये युवा संकल्प लेकर जाए। मोदी जी ने नींव डालने का काम किया है, 1925 से हमारे पुरखों ने एक रास्ता बनाया हुआ है, नींव डल चुकी है, भव्य इमारत आपको बनाना है और 22 जनवरी को सभी लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाइए और मन से श्री राम का आशीर्वाद लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।